नमस्कार NBC24 का YouTube लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए बीपीएससी 69वीं पीटी परीक्षा चल रही थी, ऐसे में 2 बजे परीक्षा खत्म हो गई। अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार कटअप जानने की कोशिश किया जा रहा है। ऐसे में अभ्यर्थी लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि क्या कटअप जाएगा, क्या कुछ क्वेश्चन लेवल था, ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए श्री आईएएस के दुर्गेश सर है, जुड़े बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर आपसे सवाल पहला रहेगा, बीपीएससी 69वीं परीक्षा ली जा रही थी, आज ऐसे में परीक्षा खत्म हो गई है, क्वेश्चन लेवल क्या था? क्वेश्चन जो है सो मॉडरेट और हार्ड के बीच में था। क्वेश्चन का जो लेवल था वो थोड़ा स्टैंडर्ड था। सभी तरह के क्वेश्चन जो है सो आपको पूछे गए थे। स्टेटमेंट बेस्ड जो है सो क्वेश्चन ज्यादा था, लंबा लंबा जो है सो क्वेश्चन के जो है सो प्रारूप थे, जिसके कारण अभ्यर्थी को कंफ्यूजन जो है सो ज्यादा हुआ है। और सामान्य किताबों से जो है सो करंट अफेयर्स नहीं मिले हैं, इसलिए जिन लोगों की तैयारी थोड़ी गहरी होगी और अच्छी होगी उनका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। या फिर वैसे अभ्यर्थी अच्छे परिणाम को देंगे जो लोग अच्छे से प्रश्न को पढ़े होंगे, क्योंकि प्रश्न वन लाइनर वाले कम थे, इसीलिए प्रश्न को पढ़ने के लिए थोड़ी सी समय लेकर के, और जो लोग गहरे से अच्छे से प्रश्न को पढ़ेंगे उनका प्रश्न और एग्जाम दोनों अच्छा गया होगा। दुर्गेश सर सवाल ये रहेगा कि कट ऑफ को लेकर अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं, ऐसे में कट ऑफ क्या जाने वाला है, कट ऑफ क्या होगा इस बार का? देखिए प्रश्न का जो स्टैंडर्ड है उसको देखते हुए मेरा अनुमान है कि 88-85 से लेकर के 90 तक कट ऑफ रहेंगे, 90-91 यही कट ऑफ का रेंज रहेगा, और इससे अधिक कट ऑफ नहीं रहना चाहिए, जबकि इससे कम ही रहेंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि 85-90 वाले लोग काफी सुरक्षित रहेंगे। सवाल सर किस टाइप का था, आपने देखा होगा सवाल किस टाइप का देखने को मिला? क्वेश्चन जो था ना, क्वेश्चन आपको व्यवहारिक था, और प्लस क्या था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। क्वेश्चन में चूंकि लंबे लंबे पैरा होने के कारण प्रश्न को पढ़ने में थोड़ा सा समय लगा है, और उसी समय लगने के कारण जो है लोगों में कंफ्यूजन भी काफी अधिक हुई है। इसलिए क्वेश्चन को जो गहराई से पढ़े होंगे, जिनका मेंस अच्छे से तैयार होगा, जो लोग मेंस पढ़ करके पीटी की तैयारी किए होंगे, वो जो है सो काफी अच्छी स्थिति में होंगे, क्योंकि प्रश्न को देखने से ये बात स्पष्ट होता है। जी अभिषेक जी जी सर, मेंस की परीक्षा होने वाली है। सर आपसे सवाल ये रहेगा कि मेंस की अगर अभ्यर्थी तैयारी अब करना चाहे तो कैसे तैयारी करें? देखिए अभ्यर्थी मतलब अभिषेक जी, मेंस जो है वो सिविल सेवा की तैयारी का निर्णायक पहलू होता है। जैसे कि माननीय जो चेयरमैन है हमारे आयोग के अतुल प्रसाद जी, वो बार बार इस बात को कहते हैं कि आप पीटी कभी नहीं पढ़िए, अगर आपका पीटी आ रहा है तब भी मेंस पढ़िए, नहीं आ रहा है तब भी मेंस पढ़िए। इसका मतलब ये है कि सिविल सेवा की तैयारी की संपूर्ण जो अब तैयारी है वो मेंस हो गई है। जिन लोगों की मेंस की तैयारी अच्छी होगी उन्हीं लोगों की अब पीटी भी अच्छे होंगे और उन्हीं की अब मेंस भी अच्छे होंगे। और मेंस जो है सो राइटिंग स्किल और निबंध पर आधारित है, और इसीलिए जिन लोगों की अवधारणा और मेंस दोनों अच्छे रहेंगे उनका जो है सो मेंस बहुत ही अच्छा होगा। चूंकि अपने यहाँ मेंस जो है सो दिसंबर में हो रहा है, इसीलिए अब जो लोग एग्जाम दिए हैं हम उन सभी लोगों से यही कहेंगे कि आप बिना परिणाम की चिंता किए सफलता के लिए, अंतिम सफलता के लिए आप मेंस की तैयारी में लग जाइए और मेंस को तैयार करिए, क्योंकि मेंस ही आपकी सफलता का निर्णायक सोपान होगा। बिल्कुल सर, अभ्यर्थी काफी परेशान है, जो अभ्यर्थी इस बार नहीं निकल सकेंगे उनको क्या कहिएगा? हम उनको ये कहेंगे कि आप पहले से ही मेंस और पीटी दोनों को एकीकृत रूप में तैयारी करिए, संयुक्त तैयारी। आप पीटी को अलग और मेंस को अलग करके तैयारी अब नहीं करिए, मेंस और पीटी को साथ पढ़ने की जो टेक्निक है वो डेवलप करिए और मेंस से पीटी निकालिए, नहीं कि पीटी से मेंस। अगर मेंस की तैयारी आपकी अच्छी रहेगी तभी अब आपके पीटी संभव हो पाएंगे, इसीलिए आप मेंस पर ही अधिक ध्यान दीजिए, मेंस को पढ़िए और मेंस से ही पीटी निकालिए, क्योंकि जितने भी अभी प्रश्न पूछे गए हैं वो अवधारणात्मक प्रश्न है,
मेंस आधारित प्रश्न है। जो लोग मेंस को अच्छे से पढ़े हैं या जो लोग अच्छे से एग्जाम में कुल रह करके प्रश्न को पढ़े होंगे उनका प्रश्न और उनका एग्जाम अच्छा गया होगा। 69वीं जिस तरीके से आज सर परीक्षा ली गई थी, ऐसे में कहीं ना कहीं पारदर्शिता की बात हो रही थी, पारदर्शिता के साथ परीक्षा हुई है, इस पारदर्शिता को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो है। आज जो है अभिषेक जी, यूपीएससी के बाद बीपीएससी जो है सो देश का सबसे अच्छा जो है सो आयोग है, क्योंकि आज एग्जाम जो हो रहे हैं वो काफी फुल प्रूफ एग्जाम हो रहे हैं। एग्जामिनेशन सेंटर पर जो है सो आपको सीसीटीवी कैमरा से जो है सो लैस होती है, सभी अभ्यर्थियों के सामने में जो है सो प्रश्न पत्र खोले जाते हैं, ओएमआर सीट को जो है सो सबके सामने में सील किया जाता है और स्कैन करके आप अपने क्वेश्चन के नेचर को समझ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है सो सुधार है बीपीएससी का, और इसलिए मैं अभी तो ये कह सकता हूँ कि अब यूपीएससी और बीपीएससी में बहुत का अंतर नहीं है। हाँ, केवल अंतर यही है कि वो अखिल भारतीय सेवा है और ये जो है सो आपको राज्य स्तर के हैं, लेकिन स्टैंडर्ड की बात करेंगे, चाहे वो प्रश्न का स्टैंडर्ड हो, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे मान लीजिए कि कैलेंडर के मामले में हो, तो अब रिजल्ट भी बड़ा ओरिएंटेड होते हैं। जैसे अभी आप देखिए कि 67 के जो है सो इंटरव्यू के डेट आ गए हैं, और इस तरह से 68वीं मेंस हो गया है, 69वीं का पीटी हो गया है, तो इतना सुंदर तरीके से अब एग्जाम हो रहा है बीपीएससी का, जो एकदम ये बहुत ही सराहनीय बात है और इसके लिए आयोग की भूरी भूरी प्रशंसा मैं करता हूँ। अंतिम में सर जाने से पहले तमाम अभ्यर्थियों को क्या संदेश जाएगा आपके तरफ से? मेरा संदेश यही होगा कि आपने अपने स्तर से संपूर्ण तैयारी करके आपने एग्जाम दिया है, इसीलिए परिणाम पर विचार किए बगैर आप कर्म पर विचार करें, क्योंकि कर्म ही परिणाम को निर्धारित करता है। आप अगर कर्म पर पूरा